आज मशीन रूम के जो जो उपकरण हैं फार्मास्यूटिक्स में जो जो इस्तेमाल में आते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के अंतर्गत, कुछ उपकरण के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज मैं सारे उपकरण का सिर्फ नाम बताऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में मैं सबका प्रिंसिपल और उसका वर्किंग और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये टैबलेट पंचिंग मशीन है। तो इस टैबलेट पंचिंग मशीन में टैबलेट को पंच किया जाता है। बस ये आप ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको अगर प्रैक्टिकल रूम में जाना पड़े तो कम से कम जो एपरेटस है उसका नाम मालूम होना चाहिए। उसके बाद आगे आते हैं, ये टैबलेट डिस इंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस है। इसमें टैबलेट का टेस्ट किया जाता है कि उसका डिस इंटीग्रेशन कितना है। और उसके बाद हम आते हैं, ये इसी का यूनिट है जो उसके साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये डिसोल्यूशन रेट टैबलेट का किस तरह से निकालते हैं, मतलब जो टैबलेट डिजॉल्व होता है तो उसका क्या रेट है। तो ये डिसोल्यूशन रेट टेस्ट एपरेटस है। इसके बारे में आप अच्छी तरह से देख लें ताकि आप जब भी जाए लैब में तो कम से कम पहचान सकें। उसके बाद ये फेरेबिलिटी टेस्ट एपरेटस है, जिसमें टैबलेट का जो है ये रोटेशनल मैकेनिज्म के द्वारा ये पता किया जाता है कि वो कितना स्पीड में ब्रेक कर जा रहा है और किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस मशीन के बारे में। फिर आप देख सकते हैं इस मशीन को, ये कैप्सूल फिलिंग मशीन है। इस तरह के बहुत सारे एपरेटस यहाँ पर हैं। आज कुछ ही एपरेटस, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक टैबलेट पंचिंग मशीन है, वो भी एक टैबलेट पंचिंग मशीन था। तो ये एक अलग फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है और वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट कोटिंग पैन है और टैबलेट कोटिंग पैन में टैबलेट के ऊपर में जो कोट रहता है या जो भी इसका जेलेटिन का आवरण रहता है वहां पर इस एपरेटस के द्वारा उसका टेस्ट किया जाता है। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी टैबलेट्स के संबंधित जो भी उपकरण थे उसके बारे में। और भी बहुत सारे उपकरण है यहाँ पर, धीरे धीरे सबके बारे में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।